हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। और आज हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, जिनका लिंक आपको क्लास के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। और लाइक जरूर करा करो यार वीडियोज को, जो भी क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और शेयर कर दीजिए अपने सभी स्टूडेंट फ्रेंड्स से। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 इस क्लास में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी और बहुत सारी चीजें हमें अभी सीखनी बाकी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए हमें दे रखी मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, बी हमें दे रखा है, सी हमें दे रखा है, देन कंप्यूट ए प्लस बी। अब यहां पर हमें ए प्लस बी निकालना है और बी माइनस सी निकालना है, तो फास्ट हम निकाल सकते हैं। देखिए ए प्लस बी, मैंने बोला था जो एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग होते हैं उनको एड कर दीजिए। जैसे ये वाला जो पहला एलिमेंट है पहली रो का, वो सेकेंड वाली जो मैट्रिक्स है उसके पहले से मल्टीप्लाई होगा जब एडिशन की बात कर रहे हो। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। 2 को आप कर दीजिए -1, 2 और -1 इसलिए किया क्योंकि माइनस का साइन है, पहले ही लिख दे रहा हूं। -3 + 2 हमें करेंगे। 5 को ऐड कर दीजिए 4 से, 5 प्लस में हो जाएगा 4। 0 को ऐड कर दीजिए 2 से, तो 0 प्लस में 2। नेक्स्ट देखिए 2 + 5 आप लोग यहां से कर सकते हैं, 2 + 5। 1 + 2 आप यहां से कर सकते हैं, 1 + 2। -1 + 0 आप यहां से कर सकते हैं और 1 + 3 आप लोग यहां से कर सकते हैं। इसको निकाल के देख लीजिए क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है, वही आंसर होगा ए प्लस बी का। 3 + 1 = 4 होता है, 2 - 1 = 1 होता है, -3 + 2 - 1 होता है, 5 + 4 = 9 होता है, 0 और 2 = 2 होते हैं, 2 और 5 = 7 होता है, 1 और 2 = 3 होता है, -1 और 0 - 1 होता है, 3 और 1 = 4 होता है। ये हमारा रिजल्ट आ गया है ए प्लस बी के लिए, सिंपल सी बात है। अब अगर b माइनस सी हमें करना है, मतलब इसका जो पहला एलिमेंट है उसमें से माइनस करना है c वाले के पहले एलिमेंट को, पहली रो का पहला एलिमेंट जो हो। ठीक है, a11, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ये आप लोग फाइंड आराम से कर सकते हो, एक मैंने आपको करके बताया है। इस सवाल को देखिए, वेरीफाई करना है दैट a प्लस बी माइनस सी बराबर होता है a प्लस बी माइनस सी के। देखो b माइनस सी यहां से निकाल ही लेते हैं क्योंकि उसी के आधार पर यह सवाल हमारा हो रहा है। 3 - 4 कर देंगे हम, पहली -1 और -1 हो जाएगा, -1 - 1, 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा। आगे है 4 में से हम 0 माइनस कर देंगे, 4 - 0, 2 में से -3 कर देंगे, 2 - 3, 5 में से 2 माइनस कर देंगे, 5 - 2 में से 1 माइनस कर देंगे यहां से भाई, 0 में से अब माइनस का देखिए माइनस का 2 है तो -, -, + हो जाएगा। ये प्लस माइनस वाली गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यहां से रिजल्ट निकल के आएगा 3 - 4 यानी कि -1, और -1 - 1 - 2 होता है, 2 - 2 = 0 होता है, 4 - 0 = 4 होता है, 2 - 3 - 1 होता है, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, 2 - 1 = 1 होता है, ये यहां पर 2 आ गया और ये यहां पर 0 आ गया। ये हमारे पास निकल के आ गई बी माइनस सी। अब वेरीफाई का मतलब होता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है, मतलब वेरीफाई हो जाएगा ये। तो चेक कर लीजिए, ए को एड करना है बी माइनस सी में। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, ए प्लस करना है बी माइनस सी। ए मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है भाई, 1 है, 2 है, -3 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, -1 है, 1 है। यहां से मैंने a को उठाया है इस वाले से, इसको प्लस करना है b माइनस सी जो अभी अभी हमने ये वाली निकाली है, यानी कि -1 - 2 = 0, 4 - 1 = 3 और 1, 2 और 0। इसको आप लोग यहां से निकाल लीजिए, रिजल्ट आपके पास क्या आता है। देखो ऐड करना है तो 1 - 1 है तो 0, मैं डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूं। 2 - 2 है, ये भी 0 हो जाएगा, -3 + 0 ये -3 ही रहेगा, 5 + 4 होता है 9, 0 - 1 होता है -1, 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, -1 और 2 को ऐड करेंगे प्लस का 1 आएगा और 1 और 0 करेंगे 1 आएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल करके आ गई है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए भी इजी है, a प्लस बी जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है इसके अंदर से c माइनस करना है और चेक करना है क्या हमारा ये वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। ये आगे का काम है, ये आप सभी लोगों के लिए है, ट्राई जरूर करिएगा, आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वाली में से c को माइनस कर सकते हैं और चेक करना है कि क्या यही सेम आ रही है मैट्रिक्स, अगर आ रही है तो हैंस वेरीफाइड हो जाएगा ये। समझ में उम्मीद करूंगा ये वाला सवाल आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं यहां से, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।
ठीक है, ए दे रखा है मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स दे रखी है, देन कंप्यूट थ्राइस ऑफ ए माइनस फाइव टाइम्स ऑफ बी। तो भाई 3a हम निकालेंगे सबसे पहले, 3a का मतलब होता है 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है हर एक एलिमेंट से, यही मतलब होता है कांस्टेंट का। तो 2 बटे 3 है, ठीक है, या मैं डायरेक्ट करके लिख देता हूं मल्टीप्लाई 3, हर एक एलिमेंट को 1 मल्टीप्लाई 3, 5 बटे 3 मल्टीप्लाई में 3। नीचे है 1 बटा 3 गुना में 3, 2 बटे 3 गुना में 3 और 4 बटे 3 गुना में 3। थर्ड वन हमारे पास है 7 बटे 3 गुना 3, 2 गुना में 3 और 2 बटे 3 गुना में 3। ये हमारे पास आ जाएगा 3a की वैल्यू जो मैट्रिक्स आएगी। 3 से 3 सब में कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, यहां कटेगा, यहां कटेगा, ये कटेगा, इसमें भी हम कट कर सकते हैं और ये। तो फाइनल आंसर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां 4 बचेगा, यहां 7 बचेगा, 3 दूनी 6 बचेगा और 2 बचेगा। ये आ जाएगी हमारे पास थ्राइस ऑफ ए। ऐसे ही मुझे निकालना है 5 टाइम्स ऑफ बी। तो 5 टाइम्स ऑफ बी भी मैं निकाल लेता हूं, देखिए डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 बटे 5 गुना में 5, 3 बटे 5 गुना में 5, 1 मल्टीप्लाई 5। आगे है 1 बाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 बाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 4 बाई 5 मल्टीप्लाई 5, 7 बाई 5 मल्टीप्लाई 5, 6 बाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 2 बटे 5 को 5 से कर दीजिए। यहां से भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो सारे 5 कट जाएंगे आपस में जो नीचे वाले हैं, और जो साथ में है वो नहीं कटेंगे, जैसे 1 बाई 5 नहीं कटेगा। बाकी अब देखिए क्या आ गया, 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 एकम 5, यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां 4 बचेगा, यहां 7 बचेगा, यहां 6 बचेगा, यहां 2 बचेगा। दोनों मैट्रिक्स मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो नई मैट्रिक्स क्या आएगी, देखिए 3a में से 5 भी माइनस करना है, मतलब 2 में से माइनस करना है 2 को जो आएगा 0, 3 में से माइनस करना है 3 को जो आएगा 0, 5 में से 5 करना है जो आएगा 0, 1 में 1 करेंगे तो 0, 2 में 2 करेंगे तो 0। ये साइज 0 मैट्रिक्स हमारे पास निकल करके आएगी, ठीक है, ये 0 मैट्रिक्स निकल करके आएगी। बहुत इजी सवाल है, इसको हम बोलते हैं 0 मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है उसी नंबर से, सेम वही हमारा रिजल्ट आएगा। तो अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आए, दोनों सवाल समझ में आए हो, तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।